नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो चर्चा है वो है प्रयागराज हत्याकांड की। दरअसल प्रयागराज में जिस तरीके से उमेश पाल को घेर कर सरेआम गोली और बम से मारा गया, उसके बाद से लगातार पुलिस ये जांचने की कोशिश कर रही कि आखिर इसका मुख्य मकसद क्या है। पहले कहा गया कि उमेश पाल जो है वो राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, ऐसे में उनसे अतीक अहमद की दुश्मनी थी और इसलिए अतीक अहमद ने उन पर ये हमला करवाया। लेकिन अब नया मामला सामने आ रहा है। दरअसल उमेश पाल जो है वो मुख्य गवाह नहीं थे राजू पाल हत्याकांड के। इस बात का दावा पूजा पाल, जो कि राजू पाल की पत्नी है, वो भी कर चुके हैं। उनका यह कहना है कि जो केस है वो सीबीआई के तहत चल रहा है, जिसमें मुख्य गवाह वो है, जबकि उमेश पाल एक दूसरे मामले में गवाह थे, यानी कि एक मामला जिसमें अतीक के ऊपर आरोप लगा था कि राजू पाल हत्याकांड में जो लोग गवाही देने वाले थे उनको किडनैप कर लिया गया और उन पर दबाव बनाकर अपने पक्ष में गवाही दिलाई गई, और इसमें उमेश पाल भी शामिल थे क्योंकि उमेश पाल ने इस मामले में अतीक के पक्ष में गवाही दी थी। लेकिन अब नया मामला आ गया है। दरअसल पुलिस का मानना है कि ये मामला गवाही का नहीं है, ये मामला है रंगदारी का, ये मामला है जमीन का। वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज आखिर वो मामला क्या है जिसको लेकर ये हत्या हुआ, जो पुलिस बता रही है। दरअसल पुलिस अब जिस वजह की जांच कर रही है वो ये है कि करीबन 7 महीने पहले एक जमीन को लेकर रंगदारी मांगी गई थी। वो भी कोई 1,50,000 की नहीं, सीधे सीधे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और इसी रंगदारी को लेकर ये हत्या बताई जा रही है। दरअसल मामला धूमनगंज थाने के ही पीपली गांव में स्थित 3,310 वर्ग मीटर लगभग 1.5 बीघे जमीन का है। उमेश पाल ने जमीन कौसाम्बी के रहने वाले रामदीन की बेटी से जमीन खरीदी थी। इस जमीन के कब्जे को लेकर उमेश पाल का अतीक के गुर्गों खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा और अबू साद के साथ विवाद चल रहा था। उमेश ने इस मामले में FIR दर्ज करवाई थी। उसने धूमनगंज थाने पुलिस से कहा था कि वो अपनी जमीन का कब्जा लेने जाता है तो अतीक अहमद के गुर्गे इसे अपना जमीन बताते हैं और हर बार उसे धमकाकर भगा देते हैं। बताया भी जा रहा है कि 11 फरवरी 2022 को इस पर खालिद जफर, जिसके घर पे बुलडोजर भी चला है, वो इस जमीन पर कब्जा कर रहा था और इस पे जब उमेश पाल गया तो उसे धमकी दी गई। क्या धमकी दी गई वो भी हम आपको बताते हैं। धमकी दी गई, उमेश को धमकाते हुए कहा कि सांसद अतीक भाई का आदेश है कि पहले 1 करोड़ रुपए दो वरना इस जमीन को भूल जाओ, ये जमीन पर बिना 1 करोड़ रुपए आया तो तू मारा जाएगा। अब इसमें एक और नाम आ रहा है, वो नाम है गुड्डू मुस्लिम का। दरअसल जो उमेश पाल हत्याकांड में FIR दर्ज हुई उसमें भी गुड्डू मुस्लिम का नाम है, साथ ही साथ जो उमेश पाल ने रंगदारी को लेकर पुलिस को FIR दर्ज कराई थी उसमें भी गुड्डू मुस्लिम का नाम है, और ये पुलिस ये पहचान करने की कोशिश में लगी हुई है कि क्या है ये पूरा मामला। इसके अलावा दो और नामों का जिक्र आ रहा है, वो है मोहम्मद गुलाम और साबिर का, जो दोनों प्रॉपर्टी डीलर बताए जा रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि ये दोनों जो हैं वो अतीक अहमद के करीबी हैं और इन सबको बीच लेकर इसी जमीन को लेकर, जो 1.5 बीघे की जमीन थी उसको लेकर विवाद था, जिसमें अतीक के द्वारा ये रंगदारी मांगी जा रही थी, ऐसा माना जा रहा है। वहीं अगर पुलिस के दावे की बात करें तो पुलिस ये दावा कर रही है कि अतीक अहमद ने साबरमती जेल से कुछ 7 लोगों को भेजा था, जिसमें 2 शूटर शामिल थे। इसमें जिन लोगों की पहचान हुई है उसमें मोहम्मद गुलाम और गुड्डू मुस्लिम की पहचान हुई। मोहम्मद गुलाम वो शख्स जो उस दुकान पर खड़े होकर ट्रिमर खरीदता हुआ नजर आ रहा था, उसकी पहचान जो है वो मोहम्मद गुलाम के तौर पर हुई है। वहीं गुड्डू मुस्लिम वो शख्स के तौर पर सामने आया जो बम फेंक रहा था। यानी कि ये मामला जो है वो अब गवाही राजू पाल पूजा पाल से हटकर एक जमीन पर आता हुआ टिक रहा है, और ये माना जा रहा है कि 1 करोड़ की रंगदारी को लेकर ये उमेश पाल की हत्या की गई। फिलहाल जांच ये जारी है और हमको भी इंतजार है कि ये जांच में क्या सामने आता है और मुख्य मकसद क्या है। क्या अतीक अहमद साबरमती जेल में बैठे बैठे इतना बड़ा कांड प्रयागराज में करवा सकता है, इस पर भी अभी सवालिया निशान है। फिलहाल ये स्टोरी आपके लिए भेजी थी हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने। अतीक अहमद और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।